कॉलेज में भी जीनोम सीक्वेंसिंग कर सकें। सर, ऑक्सीजन प्लांट्स को लेकर और बेड्स को लेकर के किस तरह की तैयारी है? पूरी तैयारी है। देखिए, पहले ही हमने हर तरह की तैयारी की है। हमारे ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट सुचारू रूप से काम कर रहे हैं, उसकी हमने पूरी एक व्यवस्था बनाई है, कैलेंडर बनाया है, उसकी हर महीने मॉक ड्रिल करते हैं हम, संपूर्ण प्लांट अच्छे से चल सके इसकी संपूर्ण व्यवस्था की गई है। 43,000 बिस्तर हमारे पास हैं पूरे मध्य प्रदेश में, और सभी तरह की जो भी कोविड से संबंधित हमारी तैयारी है वो पूरी है, और उसके साथ साथ केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय का जो निर्देश होगा हम उसका पालन करेंगे। जीनोम सिक्वेंसिंग इसीलिए क्योंकि नए वेरिएंट की बात आ रही है, इसलिए केंद्र सरकार की ओर से ये दिशा निर्देश दिया गया है कि हमारे जो भी पॉजिटिव केस आ रहे हैं उसकी जीनोम सिक्वेंसिंग करें, जिससे कहीं कोई नया वेरिएंट तो नहीं है इसका पता लग सके। बूस्टर डोज लगाने की बात कही गई है, पर एमपी में 70% लोग हैं जो अब तक बूस्टर डोज नहीं लगवा पाए हैं, और डोजेस की संख्या भी अब विभाग के पास कम है। नहीं, देखिए, हमारे पास सफिशियंट वैक्सीन केंद्र सरकार की ओर से मिलती है जो हमें जरूरत है, और लगातार हमारा प्रयास है, और मध्य प्रदेश ने वैक्सीनेशन में अच्छा काम किया, चाहे पहला डोज हो, सेकंड डोज हो, या प्रिकॉशन या बूस्टर डोज हो, संपूर्ण जो एलिजिबल हमारा सेगमेंट है उसको हम वैक्सीन लगा रहे हैं। सर, मध्य प्रदेश में अगले महीने प्रवासी सम्मेलन हो रहा है देश भर के, अब देखिए ये तो केंद्र सरकार के जो दिशा निर्देश होंगे उसका। लैब में आपने क्या देखा है अभी फिलहाल? देखिए, हमारी मशीन इंस्टॉल हो गई है, जो भी मैन पावर है वो पूरी तरह अरेंज हो गया है, एनसीडीसी हमें किट प्रोवाइड कर रही है, हम पूरी तरह तैयारी में हैं, जब भी हमें जीनोम सीक्वेंसिंग करना होगा हम कर सकते हैं। अभी क्या स्टेटस सर कोरोना का? कोरोना के अभी हमारे यहाँ केवल 4 एक्टिव केस हैं मध्य प्रदेश में, पिछले 2-3 दिन से कोई पॉजिटिव केस नहीं आया है, कोई भी हॉस्पिटल में एडमिशन नहीं है, सभी जो 4 पॉजिटिव केस हैं वो होम आइसोलेशन में है, कहीं ऐसी स्थिति नहीं है, पिछले 3-4 दिन से कोई पॉजिटिव केस नहीं आया। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।